और ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं आप दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। धोखा नहीं दिया, फरमानी नहीं की, मैं मजबूर था। तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल गई है, मुझे माफ कर दो। क्या गिफ्ट चाहिए? अच्छा, तो जो मांगूंगी देंगे? ऑफ कोर्स। तो मुझे बस आपका साथ चाहिए। सर, ड्रामे में अब सब कुछ तो हो गया, अब सोनिया और जिशान को अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए और जिशान को चाहिए कि सोनिया से दिल से एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वो तो शादमा को ही डिज़र्व करता है, शादमा जैसी घटिया मक्कार और लालची लड़की जिसने उसे कभी इज्जत नहीं दी और ना कभी उसकी इज्जत की, लेकिन फिर भी जिशान उसकी मोहब्बत में ऐसे पागल हुआ फिर रहा है। अब सोनिया तो उसे नज़र ही नहीं आ रही, जबकि दूसरी तरफ शाजमा है कि उसे ज़रा भर परवाह नहीं। अब सुभान अहमद से शादी करके भी ज़रा भर नहीं सुधरी, उसे लगता है कि अब भी वैसे साजिशें करेगी। लेकिन अफसोस, वो दिशान नहीं, वो सुभान अहमद है। अब शाजमा को सीधा होना ही पड़ेगा, शाजमा एक बार फिर से अपना घर ख़राब कर लेगी और फिर बर्बाद ही हो जाएगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है, कमेंट करके अपनी कीमती राय से मेरा लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो प्रोडक्शन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।